नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 का मैच नंबर 21 7 अक्टूबर को यानी आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी के अबू जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह मैच और इस वीडियो में हम इस महामुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या होने वाली इस महामुकाबले में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, क्या क्या बड़े बदलाव हमें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड के स्टैट्स के आधार पर कौन सी टीम यहां पर जीतने वाली, और साथ ही साथ बात करेंगे उन 5 आइकॉन प्लेयर्स की जिनको हमें अपनी फैंटेसी टीम में इस मैच के लिए किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। यानी पूरी तरह से इस महामुकाबले को इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आपको भी आईपीएल 2020 देखने में मजा आ रहा है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस महामुकाबले को माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वहां पर बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है जी। वहां पर ज्वाइन होते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और साथ ही साथ इस महामुकाबले के लिए सौरव गांगुली ने भी यहां पर अपनी टीम बनाई, और यदि आपकी टीम सौरव गांगुली की टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिलने वाला है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, तो आप भी फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले की। तो एक तरफ है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत ही बेहतरीन ये टक्कर होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक कुल 23 बार आमने सामने हुई है, जहां पर वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा यहां पर हैवी राय दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर 23 में से 14 बार जीत दर्ज की, वही केवल 8 बार यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत पाई है। एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा है, यानी हेड टू हेड कंपैरिजन में वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा यहां पर हैवी है। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 में दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक आईपीएल 2020 में कुल 5 मैच खेले हैं, जहां पर केवल 2 मैच यह टीम जीत पाई है। 3 मुकाबलों में इस टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2020 में अभी तक 4 मैच खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, और दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस आईपीएल 2020 में अभी तक लगभग एवरेज ही रहा। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन इन दोनों टीमों से था उसके मुताबिक यहां पर सेफ काम यहां पर ये दोनों टीमें नहीं कर रही है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहां पर कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस महामुकाबले में हमें कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके उनकी जगह पर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में हमें किसी भी टाइप का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग की। तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से यहां पर सेन वॉटसन के साथ फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल के साथ हमें यहां पर राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहां पर अगर बैटर ओपनिंग पेयर की बात करें तो वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा हैवी है। पिछले मैच में दोनों ही ओपनर्स ने यहां पर मैच को फिनिश कर दिया था, 10 विकेट से मैच जिताया था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग जोड़ी यहां पर लगातार फ्लॉप हो रही है, जिसके चलते सुनील नारायण को ओपनिंग से हटाकर उनकी जगह पर राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग में आजमाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल ऑर्डर की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास मिडल ऑर्डर में यहां पर अंबाती, रायडू, महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव जैसे खिलाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के पास मिडल ऑर्डर के लिए इयोन मॉर्गन, नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी है। और मिडल ऑर्डर के मामले में भी यहां पर वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा हैवी लग रहा है, क्योंकि अंबाती रायडू फिलहाल शानदार फॉर्म में है, महेंद्र सिंह धोनी भी रन निकाल रहे हैं, जिसके चलते मिडल ऑर्डर में भी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हैवी। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर मिडल ऑर्डर की। तो चेन्नई सुपर किंग के पास यहां पर रविंदर जडेजा, सैम कुरन और डीजे ब्रावो जैसे खिलाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एंड्रे रसल, सुनील नारायण और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी, और यहां पर थोड़ा सा पलड़ा हैवी पड़ जाता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, क्योंकि केकेआर के पास यहां पर एंड्रे रसल मौजूद है जो किसी भी वक्त यहां पर गेम को बदल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएसके के पास यहां पर बहुत ही अच्छे गेंदबाज भी है जो साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन यहां पर लोअर मिडल ऑर्डर में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा थोड़ा सा हैवी है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन बॉलर
बोनस की तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास यहां पर पीयूष चावला, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के पास यहां पर शिवम, मावी, कमलेश नागरकोटी और वरुण चक्रवर्ती की जगह पर यहां पर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। तो ये खिलाड़ी होने वाले हैं, ये गेंदबाज होने वाले। स्ट्रेंथ की बात करते तो भाई यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा मुझे हैवी लग रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दीपक चहर फिलहाल जबरदस्त फॉर्म में है। शार्दुल ठाकुर ने पिछले मुकाबले में ठीक ठाक गेंदबाजी कराई थी, जिसके चलते अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करते तो यहां पर वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हैवी लग रहा है, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजों में, मिडल ऑर्डर में और साथ ही साथ गेंदबाजों में वन साइडेड जंग यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। वही यहां पर लोअर मिडल ऑर्डर कोलकाता नाइट राइडर्स का हैवी है। अब हम बात करते हैं उन पांच आइकॉन खिलाड़ियों की जिनको हमें अपनी फैंटेसी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फाफ डू प्लेसिस, दूसरे नंबर पर अंबाती रायडू, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, चौथे नंबर पर ईयोन मॉर्गन और पांचवें नंबर पर एंड्रयू रसेल। इन पांच खिलाड़ियों को हमें फैंटेसी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं करना। ये पांचों ही खिलाड़ी इस ग्राउंड पर, इस पिच पर शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट की बात करते तो आप सभी को पता है कि भाई पिच बिल्कुल वैसी रहने वाली है जैसे कल थी। जिस पिच पर कल मैच खेला गया था उसी पिच पर यह मैच भी खेला जाना है। स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी फ्रेंडली साबित हो सकती है, मीडियम फास्ट बॉलर्स को भी यहां पर मदद मिल सकती है। ग्राउंड का एवरेज स्कोर 152-153 रन है, जिसके चलते ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हमें यह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर चेन्नई सुपर किंग के जीतने के चांसेस मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल सीएसके की टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में आ चुकी है। इस ग्राउंड पर पहले भी चेन्नई सुपर किंग ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। टीम पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है, बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग 11 यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की बना ली है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस महामुकाबले को, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।